जो आपने सारण लोकसभा चुनाव में तांडव मचाया है, आप तो गुनाहगार माने ही जाएंगे। प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा जो मेरे ऊपर में आरोप लगाया गया है। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? आपने छेड़ दिया तो हम तो छोड़ते नहीं हैं। कानून की धज्जी उड़ा दी है, अभी तो शुरुआत किया है। अभी तो आपको कानून कैसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे। हमें लगता है जो उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, उनको सबसे पहले इलेक्शन मैनुअल को पढ़ना चाहिए। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। कैंडिडेट के साथ साथ चालक के अलावा तीन अन्य लोग को वो अपने साथ रख सकती हैं। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए। कानून के पिंजड़े में तो आप कैद हो गए। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं? भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें, सामाजिक सद्भाव कायम रखें। माननीय MLC और प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा जो मेरे ऊपर में आरोप लगाया गया है, जो किस हैसियत से श्रीमती रोहिणी आचार्य उम्मीदवार 20 सारण लोकसभा क्षेत्र के साथ घूम रहे थे, हमें लगता है जो उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, उनको सबसे पहले इलेक्शन मैनुअल को पढ़ना चाहिए, इलेक्शन के प्रक्रिया को पढ़ना चाहिए और इलेक्शन में कैंडिडेट को क्या क्या करना है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और बिना पढ़े हुए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। पहली बात, इलेक्शन मैनुअल में साफ लिखा हुआ है जो उम्मीदवार चुनाव के दिन हरेक बूथ पर घूमेंगे और वहाँ के अपने मतदाताओं से हालचाल लेंगे, उसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये भी पता करेंगे जो यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पोल हो रही है कि नहीं, पोल अभी तक कितना गिरा है, ये इलेक्शन मैनुअल में है। और उसके साथ साथ कैंडिडेट के साथ साथ चालक के अलावा तीन अन्य लोग को वो अपने साथ रख सकती हैं, इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी को लिख करके देना पड़ता है जो मेरे साथ कौन कौन लोग रहेंगे और उसका विधिवत लाल रंग का पास बनता है और उस पास के हैसियत से कैंडिडेट और उनके साथ जो अन्य तीन लोग हैं वो सभी लोग बूथों पर घूमते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है इलेक्शन मैनुअल का। यदि इसकी ज्ञान नहीं है नीरज जी को, तो नीरज जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए जो हमसे भूल हुई है, हमसे मिस्टेक हुआ है, हम बिना ज्ञान के इस तरह की बातें रख दिए हैं, कैसे उनको पार्टी प्रवक्ता बना दिया है मुझे नहीं समझ में आता। उनको तो ये सामान्य प्रक्रिया भी मालूम नहीं है, लगता है वो लगातार जो MLC बनते रहे हैं उनको सामान्य जो इलेक्ट्रल ये चुनाव है उससे उनको कोई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक सलाहकार माननीय भोला यादव जी ने जो आपने सारण लोकसभा चुनाव में
तांडव मचाया है, आप तो गुनाहगार माने ही जाएंगे। रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया, आपने छेड़ दिया, तो हम तो छोड़ते नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के मैनुअल का जरा अध्ययन कर लीजिए, खाली जेले मैनुअल का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 के 42 के 17वें नंबर पर साफ लिखा हुआ है कि निर्वाचन अभिकर्ता जो नहीं है वो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। क्या भोला यादव रोहिणी यादव के निर्वाचन अभिकर्ता थे? साथ ही साथ अध्याय 8 के 1.11 साफ लिखा हुआ है कि राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा दी गई है वो मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटा पहले निर्वाचन क्षेत्र से चले जाना है। किसने आपको अधिकार दिया था कि आप सारण लोकसभा के मतदान केंद्र पर लालू यादव जी के भक्ति भाव में आप मतदान केंद्र तक जा रहे हैं? आपको सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है और कानून के पिंजड़े में तो आप कैद हो गए। चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि विधि सम्मत कार्रवाई करे। लालू के राजनीतिक सिपाह सलार माननीय भोला यादव जी ने कानून की धज्जी उड़ा दी है। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो आपको कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे।